हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हाट आर दोज बेसिक डोमेस्टिक एनिमल्स व्हिच वी नीड टू नो एंड व्हाट आर देयर यूजेस। सो लेट्स स्टार्ट। डोमेस्टिक एनिमल्स का डेफिनेशन होता है मींस परिभाषा। Domestic animals are those animals that are kept by human beings for various useful purposes such as pet, food sources, pleasure and utilities. Means ये वो जानवर होते हैं जिन्हें human beings जो इंसान होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग कार्यों में लगाने के लिए अपने पास रखते हैं। जैसे कुछ इन्हें पालतू बनाते हैं, कुछ इन्हें अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ इनका इस्तेमाल अलग अलग काम के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी बेसिक डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो छोटे बच्चों को नर्सरी में पढ़ने की जरूरत है या जिसकी जानकारी बच्चों को होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डोमेस्टिक एनिमल्स। First is horse, ghoda. They are being used as mode of transportation. They also help humans by pulling heavy loads on them. Also helpful in farm work, plogging, leisure, riding and races. जो ये horse होते हैं ना, घोड़े होते हैं, ये तो सबसे पहले क्या होते हैं? Mode of transportation means यहां से वहां जाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये इंसानों को बहुत मदद करता है, ये बहुत हैवी लोड कैरी करता है और ये फार्म वर्क जैसे कि खेती बाड़ी में भी हम हॉर्स का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। प्लॉगिंग जो जोतते हैं वहां पे भी ये काम आता है। लेजर, कहीं कहीं पे यह मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। राइडिंग, हॉर्स को राइडिंग पर्पस के लिए भी बहुत जगह जहां हम घूमने जाते हैं वहां देखते हैं इस्तेमाल होता है। रेसेस में भी हॉर्सेस का, घोड़ों का बहुत इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट डोमेस्टिक एनिमल है डॉग यानी कुत्ता। दे आर नॉट ओनली द मोस्ट पॉपुलर पेट्स बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट faithful animals to human beings. It guards the house of its master. It is used in hunting. Some dogs are trained to detect criminals. जो ये कुत्ता रहता है, यह सबसे ज्यादा popular, यह सबसे ज्यादा जाने वाला, माना जाने वाला pet होता है, पालतू होता है। और यह बहुत ज्यादा स्वामी भक्त भी होता है, फेथफुल होता है, मतलब स्वामी भक्त होता है इंसानों के। इसीलिए इंसान ने घर में हाउस को गार्ड देने के लिए, इस घर की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं कहीं पर कुछ कुत्तों की कुछ जाति से हंटिंग का काम भी कराया जाता है, यानी शिकारी कुत्ते जो शिकार करते हैं। कुछ कुत्तों को ट्रेन भी किया जाता है जिससे कि ये क्रिमिनल्स को डिटेक्ट कर सके, मींस पता लगा सके कौन किसने क्राइम किया या गुनाह किया है। नेक्स्ट, गोट यानी बकरी। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स एंड हैव बीन यूज्ड फॉर मिल्क, मीट, फर एंड स्किन्स। ह्यूमन इजीली डाइजेस्ट गोट मिल्क। Milk from goat is often turned into goat cheese. Means जो बकरी होती है वो सबसे पुराना domestic animal है। सबसे पुराने domestic animal में से एक होता है बकरी। और इसको हम किन किन काम में लाते हैं? बकरी से हमें दूध मिलती है, बकरी से हमें मांस मिलता है, फर मिलता है इसके चमड़े से, और इसके स्किन को भी, चमड़े को भी अलग अलग काम में लगाया जाता है। इंसान आसानी से
इसके दूध को पचा सकते हैं। ह्यूमन इजीली डाइजेस्ट गोट मिल्क, आसानी से पचा सकते हैं। इसलिए जो लोग गाय के दूध को नहीं पचा सकते हैं, उन्हें गोट मिल्क खाने के लिए कहा जाता है। मिल्क फ्रॉम गोट इज ऑफन टर्न्ड इनटू गोट चीज। गोट की जो मिल्क होती है उससे गोट चीज भी बनता है। अब इसे तो आप सभी पहचानते हो, यह हमारी बिल्ली मासी कैट। कैट इज स्मॉल क्यूट एंड लवेबल पेट। दे आर एक्सट्रीमली लॉयल। इफ यू विल गिव देम अटेंशन दे विल रिटर्न यू अ लॉट ऑफ लव। दे हैव अ पुअर कलर विजन बट अ बेटर सेंस ऑफ स्मेल। चलो इसके बारे में भी थोड़ी रोचक जानकारी ले लेते हैं। ये बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा एक पालतू जानवर होता है। देखो इसको अच्छे से, ये बहुत लॉयल होते हैं, ये भी वफादार होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से प्यार से देखभाल से रखोगे तो ये भी आपको बहुत प्यार करेगा। इनकी जो आंखों कलर विजन होता है, आंखों की देखने की क्षमता, ये बहुत अच्छी नहीं होती है, पर इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है, स्मेल करने की, वो बहुत अच्छी होती है। इट इज बेटर। अब इसे तो सभी पहचानते होंगे, काउ मींस गाय। दे प्रोवाइड मिल्क विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इट इज ऑल्सो रिच इन विटामिन डी एंड कैल्शियम विच विल कीप आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। मिल्क कैन बी यूज टू मेक डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक घी क्रीम बटर योगर्ट एक्सेट्रा। गाय के बारे में तो हम सबको मालूम है, गाय का जो दूध होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम भी पाया जाता है जिससे कि हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होती हैं। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि रोज दूध पीना चाहिए। दूध से डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि घी क्रीम बटर योगर्ट, योगर्ट मींस दही मक्खन, ये सारी चीजें गाय के दूध से बनती है। तो है ना, गाय बड़े काम की डोमेस्टिक एनिमल। अब इसे पहचाना आपने, ये देखो अच्छे से देख लो, ये क्या है, बफेलो। देखो बफेलो यानी भैंस। बफेलोस आर यूज्ड फॉर मिल्क एंड फॉर ड्रॉइंग कार्ट्स एंड प्लॉगिंग द फील्ड। इन्हें भी हम दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो कार्ट रहती है गाड़ी खींचते हैं उसमें भी बफेलो यानी भैंस का इस्तेमाल होता है। एंड प्लॉगिंग द फील्ड मीन्स खेत जोतना, खेत को भी हम जोतते समय भैंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसे पहचाना, शिप यानी भेड़। दे आर वेल नोन फॉर फ्लैश एंड वुल। वुल विच इज वाइडली यूज फॉर क्लॉथिंग। शिप स्किन इज यूज टू मेक सॉफ्ट लेदर। ऑल्सो सम ऑफ द फेमस चीज अराउंड द वर्ल्ड आर मेड फ्रॉम शिप्स मिल्क। इसे हम फ्लैश यानी चमड़ा और वुल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो वुल होती है उससे कपड़े बनते हैं। शिप का जो स्किन रहता है उससे एक बहुत ही सॉफ्ट लेदर, एक सॉफ्ट चमड़ा बनता है जिससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। इसकी जो चीज होती है वो बहुत अच्छी होती है और वो इसके ही दूध से बनती है और वो बहुत फेमस चीज कहलाई जाती है। नेक्स्ट डंकी। डंकी यानी गधा। गधे को तो आप सब पहचानते हो, पर ये बहुत ही अच्छा होता है। दे आर ऑल्सो मोस्ट यूजफुल एनिमल्स टू ह्यूमंस। दे आर द सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन मैनी पार्ट्स एंड दे कैरी हैवी थिंग्स फॉर ह्यूमन बींग्स। डंकीज आर गुड एट अलर्टिंग यू
from any kind of danger. They are also used to bring people up in the mountains. तो इसके रोचक जानकारी जानते हैं अब. ये बहुत ही यूजफुल है, ये तो हम सबको मालूम है, बहुत काम आने वाला है. और इसे भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये भी बहुत भारी सामान उठाते हैं इंसानों के लिए. जो रोचक जानकारी वो ये है कि डंकी हमको, ये जो गधे होते हैं, हमको किसी खतरों से आने के पहले सूचित कर सकते हैं, अलर्ट कर देते हैं. और ये लोगों को पहाड़ों तक भी चढ़ाने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं. तो है ना, डंकी बहुत ही काम का एक एनिमल. इसे पहचाना बच्चों, कैमल यानी ऊंट. ये देखो, कैमल यानी ऊंट. दिस वन ऑफ द यूजफुल एनिमल फॉर ह्यूमन बींग्स. दे कैन सर्वाइव फॉर अ फुल वीक विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. ऑल्सो दे कैरी हैवी लोड्स अप टू 300 किलोमीटर्स अ डे. कैमल टेल अबाउट डायरेक्शन, सो दे हेल्प अस इन रीचिंग द डेस्टिनेशन विदाउट गेटिंग लॉस्ट इन डेजर्ट्स. ह्यूमंस ऑल्सो यूज कैमल मिल्क एंड मेक चीज फ्रॉम इट. दे आर ऑफन कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट. ये जो कैमल होते हैं, ये भी इंसानों के बहुत काम आने वाली एनिमल होती है. ये पूरे एक हफ्ते तक बिना खाए या बिना पिए जी सकता है. और ये बहुत भारी सामान उठाकर एक दिन में 300 किलोमीटर तक जा सकता है. ये हमें दिशाओं के बारे में भी बताता है, जिससे कि हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जो डेजर्ट एरिया है, मरुभूमि है, वहां पे बिना कहीं खोए. इंसान कैमल के मिल्क को, दूध को भी इस्तेमाल करता है और उससे चीज भी बनती है. कैमल को हम क्या कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज. तो बच्चों, ये कुछ इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है. तो ये जो बेसिक डोमेस्टिक एनिमल है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से इसके बारे में रोचक जानकारी भी प्राप्त कर लीजिए. होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर टुडे एंड टिल देन बाय.